करवा चौथ, दिवाली और शादी की शॉपिंग जो है मुझे लगता है तो आज स्थापना का मैंने दिन चुना था कि शादी की तो स्थापना से ही करेंगे। हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ बहुत अच्छे होंगे। मैं भी अच्छी हूँ। 3 तारीख का व्लॉग है और नवरात्र स्थापना थी, नए दिन जो है वो लग चुके थे, तो बहुत कुछ ना अब नया नया जो है वो करना है। तो जब भी कोई त्यौहार होता है तो मैं अच्छे से ना तैयार होना पसंद करती हूँ। जब भी कोई त्यौहार हो, है ना, कुछ नई शुरुआत हो, तो तैयार हो जाना चाहिए। तो घर का जो सफाई वाला काम है कंप्लीट करके मैं वापस से नहा ली थी और आज मैंने चुनी है ये राजपूती पोशाक। मेरे पास 4-5 जोड़ी हैं जिनमें से ये मैंने काफ़ी सालों से ही नहीं पहनी है, तो मैंने सोचा चलो आज इसे पहनते हैं और जो है तैयार होते हैं। तो मैं राजस्थानी बिंदी जो है वो बन चुकी हूँ। राजस्थानी पोशाक है ये, राजपूती पोशाक, जिसे कि मैंने पहन लिया। हल्की है पहनने में, ज़्यादा हैवी नहीं है। 2-3 मेरे पास हैवी हैं, 2-3 हल्की हल्की हैं। तो बस यहाँ पे तैयार हो गई हूँ और अब बस मेरा काम बचता है खाने का, मेरे और ईलू के, क्योंकि ईलू की छुट्टी थी, और पूजा का जो कि अब करेंगे। हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हो बहुत अच्छे होंगे। मैं भी अच्छी हूँ और आज मैंने देखो राजपूती लुक किया है। ये काफ़ी दिनों से रखी हुई थी, मेरे पास 4-5 जोड़ी हैं राजपूती पोशाक की, तो बहुत कम यूज़ देती हूँ, लेकिन आज स्थापना थी तो मैंने कहा चलो मौका भी है, दस्तूर भी है, तो क्यों नहीं ये पहन लिया जाए। तो घर की पूरी मैंने सफाई कर दी है, झाड़ू पोछा बर्तन हो चुका है, अब बस बाकी बचता है पूजा। तो मैंने कहा एक बार वापस से नहाकर और तैयार होकर ही पूजा करूँगी, नया दिन है और उसके बाद कुछ खाने को बनाएंगे, मेरा और ईलू का ही है, इनका तो नहीं है, ये तो ऑफिस में ही है करेंगे। तो ये है, प्लस आज से वापस से शॉपिंग स्टार्ट करूंगी, क्योंकि करवा चौथ की आधी की थी, आधी बचती है तो वो करूंगी, बाय नहीं की करनी है। एक ड्रेस और लेने की मैं सोच रही हूँ, कुछ नई बिछिया वगैरह जो मैं बिल्कुल हल्की वाली पहनती हूँ, बड़ी बड़ी मेरे पास बहुत है, बट हल्की बिछिया जो है वो ले लूँगी, है ना, और भी कई चीज़ें लेनी है, तो करवे भी लाऊंगी और अपने हाथों से ही उनको कलर करूंगी। पिछले साल तो मैंने नहीं किया था, करवे लेके आऊंगी प्लेन और अपने हाथों से उनको सजाऊंगी, ठीक है। वो सारी मुझे आज शॉपिंग करनी है, बीच में मुझे टाइम लगा तो इनके साथ मैं चली जाऊंगी, और साथ ही दिवाली की भी शॉपिंग करनी है और साथ ही शादी की भी शॉपिंग करनी है। करवा चौथ, दिवाली और शादी की शॉपिंग जो है मुझे करनी है। अब शादी, दिवाली और करवा चौथ में कुछ ऐसे कपड़े ले लेंगे जो उसमें भी काम आ जाए, ज़्यादा कुछ ऐसी तामझाम वाला नहीं है शादी, हल्का फुल्का ऐसे है, तो फिर थोड़ा बहुत तैयारी तो देखो करनी ही है, लाइफ की नई शुरुआत एक बार फिर से होगी तो खुशी के साथ ही करनी चाहिए, ये हम लोग सोचते हैं, तो इसलिए करेंगे। ईलू को भी शौक लग रहा है थोड़ा बहुत, तो उसको भी दिलाने हैं चीज़ें, तो आज स्थापना का मैंने दिन चुना था कि शादी की तो स्थापना से ही करेंगे, बाकी आदि करवा चौथरों की मैंने श्राद्ध पक्ष पहले ही कर ली थी। और ईलू भी आ चुकी है भाई, इसका भी नवरात्रि लोक है तो बस ये तैयारियां करनी है हमें, तो अब बहुत सब कुछ जल्दी 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 है, दिवाली बीतेगी तो शादी आ जाएगी, तो इसलिए एक मिनट यार, तो शादी की करेंगे थोड़ी बहुत, और एक ड्रेस, और मैं तो सोच रही हूँ बारी बारी मुझे ऐसा लग रहा है लुक, ये लुक करूँ कि वो लुक करूँ, तो मैंने आप लोगों को बता दूँ मैंने चूड़ियाँ भी खरीदी और मैंने करवा चौथ के लिए 2 चूड़े भी लिए हैं जो कि मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी, लेकिन मैं एक बार सोच रही हूँ सारी तैयारी साथ में हो जाए ना मेरी, तो एक ड्रेस तो मेरी तैयार हो चुकी है, 2 चूड़े आ चुके हैं, चूड़ियाँ मैंने खरीद ली हैं और बिछिया वगैरह ये सब कुछ लानी है, तो वो धीरे 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 करेंगे। और अब दिवाली का ये दीवार और डेकोरेट करने के लिए भी हमने चीज़ें तो सेलेक्ट कर ली है, तो बस ऑर्डर करनी है, कुछ चीज़ें ऑर्डर करेंगे तो फिर वो आ जाएंगी, ज़्यादा कुछ ऐसा नहीं कर रही हूँ मैं तामझाम। पर्दे मैं सोच रही हूँ कि पर्दे तो देखो पिछले साल ही लेके आई थी, तो और बहुत सारे मेरे पास रखे हैं, तो थोड़ा सा उलट पलट करना हुआ तो कर लेंगे, है ना, बोर हो जाते हैं एक एक पर्दे से, तो इस रूम के मैं थोड़ा सा कॉम्बिनेशन चेंज करना चाह रही हूँ, तो उसके लिए मैंने सेलेक्ट कर लिए हैं, येलो तो येलो ही रहेंगे और उसके साथ मैं कौन सा कॉम्बिनेशन चाह रही हूँ वो भी मैंने सेलेक्ट कर लिया है, तो बस वो ऑर्डर करना है। तो पिछले दिन मैंने मंदिर जो है थोड़ा बहुत सेट कर लिया था,
क्योंकि अगले दिन स्थापना थी तो मैंने मंदिर सेट कर लिया था। वापस से जो है भगवान की स्नान वगैरह शुरू करूँगी, क्योंकि अभी कुछ दिन पहले जो है घर में ना बच्ची हुई थी, मतलब बच्ची का जन्म हुआ था, तब भगवान को हमारे में 10 दिन तक ऐसे पूजा वूजा करते नहीं है, छूते नहीं है, तो वो चल रहा था। तो बस आज मैंने स्थापना से वापस शुरुआत की। फिर कलर वलर होने लग गया था तो फिर मंदिर हटाना पड़ा था, तो इसलिए फिर पीरियड्स में भी नहीं कर सकते, इसलिए आज से मैंने शुरुआत की वापस से। और इलू के लिए बना दिया है और मेरे लिए भी मैंने बना लिया है बनाना शेक, क्योंकि ये तो आज टिफ़िन लेके नहीं गई, ये बोले कि मैं वहीं पे लूँगा, तो फिर कैंटीन है वहाँ पे, अच्छा मिल जाता है गरम गरम, तो इन्होंने कहा मैं वहाँ पे खा लूँगा, तो मैंने कहा ठीक है। तो फिर हमने बनाना शेक अपने लिए बना लिया, हालांकि मुझे पसंद नहीं है फिर भी। फिर जो है रात मैंने जो है कुछ कपड़े धोए थे तो वो जो है निकाले, और ये जो है वापस से जो पर्दे हैं वो डाले हैं, क्योंकि पर्दों और कपड़ों का काम ख़त्म ही नहीं हो रहा है, तो फिर एक निकालती हूँ फिर डालती हूँ। पिछले दिन जो मैंने ये फूल वगैरह साफ़ किए थे धोए थे वो सूख चुके थे, तो वो अब अंदर ले जा कर के रखती हूँ। 2-3 बाल्टी कपड़े भी जो है वो सुखाने रखे हैं, और ये भी जो है मेरा बालकनी में ना ऐसी चीज़ें मैंने रख दी थी सुखाने को, तो यहाँ पे ये चूचू वगैरह भी नहीं आते ना, इसलिए तो ये फूल वगैरह और जो फुट मैट और धोए थे ना डोर मैट और वो भी मैंने वहाँ पे सुखा दिए थे, तो वो अंदर ले लिए हम मैंने। यहाँ पे मैं आ गई हूँ अप्पे बनाने के लिए, हम लोगों के लिए हम बना रहे हैं अप्पे, तो बस सूजी और दही डाल के थोड़ा सा। और ये देखो ये वाला जो अप्पा मेकर है वो एक बार मैं यूज़ ले चुकी हूँ, ये मैंने शॉपिंग पे दिखाया था ना आपको, एक मीशो औरों की जो मैंने शॉपिंग की थी, तो वो दूसरी बार मैं यूज़ दे रही हूँ। बस कुछ वेजिटेबल्स मेरे पास रखी थी वो डाल ली है, और गाजर टमाटर ही थे मेरे पास और हरा धनिया हरी मिर्च, तो बस वही डाल ली है। तो बस इसमें अप्पे मेकर में अप्पे बना करके और ईलू को दे दूँगी, क्योंकि ईलू की भी ट्यूशन जो है वो जल्दी थी, और फिर मैं भी यही ले लूँगी चटनी के साथ। इतने दिनों से इतना काम कर रही हूँ ना, तो आज थोड़ी तैयार हुई थी तो मैंने सोचा चलो मैचिंग की नेल पेंट भी जो है वो लगा लेते हैं। तो आज कोई भारी वाला ज़्यादा काम मैं नहीं कर रही हूँ, बस थोड़ा थोड़ा हल्का फुल्का करेंगे, और ये राजपूती पोशाक में मुझसे हो भी नहीं रहा है। जो भारी काम होते हैं ना वो मैं गाउन में सूट में इसमें ही हो पाते हैं मुझसे, बट स्थापना थी तो देखो तैयार तो होना ही था। तो जो भी ये फूल वगैरह मैंने धोए थे इनको उनकी जगह पे जो है वो लगा देते हैं। अभी तो बहुत सूना सूना लग रहा है, पर्दे भी नहीं लगे हैं घर पे, तो अभी घर पूरा सेट नहीं लग रहा है। तो अब जैसे ही संडे आएगा या कुछ भी मैं ऑर्डर कर दूंगी तो थोड़ा बहुत होगा, बिल्कुल सिंपल ही रखती हूँ मैं, ज़्यादा कुछ तामझाम तो है नहीं। तो एक बार इनको इनकी जगह पे ऐसे ही रख देते हैं। यहाँ पे सोच रहे हैं नया टीवी भी लेंगे अभी त्योहारों पे, तो अब वो नया वाला ही लगाऊं, पुराना वाला तो नहीं लगाया है इसमें, तो वही बस यहाँ पे नहीं लगाया, तो इस वजह से उजाड़ उजाड़ सा लग रहा है। यहाँ के लिए मुझे वॉलपेपर भी मंगवाने हैं, चेंज कर लिए और अब हम लोग जा रहे हैं थोड़ा सा, अरे नहीं करवा चौथ की थोड़ी सी चीजें लेके आऊं, करवे रंग लेके आऊं, थाली लेके आऊं, छलनी लेके आऊं, और बिछिया लानी है मुझे। पकड़ो यार ये तो मेरे को तो गिरा देगी। अच्छी इससे बड़ी है, बड़ी इससे ये क्या प्राइस होगी? 70 रुपये। और इससे बड़ी वाली? 80। अभी मैंने बिछिया ले ली, वहाँ देखो सुनार की शॉप की तो बना नहीं सकते वीडियो है ना, इसकी ये थाली करवा चौथ के लिए थाली, तो ये लोटा और है ना छलनी ले ली तैयार करने के लिए, और अब मैं जा रही हूँ करवा लेने के लिए। तो अभी कल से मैं स्टार्ट करूँ इनको सजाना। गए हैं चाय पीने के लिए, मंगल चाय। अगर
क्योंकि मेरा सर फट रहा था, तो मैंने कहा चलो चाय पीते हैं। पहले मेरे घर की चाय की इच्छा थी, फिर उन्होंने कहा नहीं चलो चलते ही हैं, तो बाहर ही पियेंगे, तो लेके आ रहे। इधर से रोशनी आ रही है तो तुम बुरी लग रही हो वैसे। लो असली दिखाऊं? हां तो हो ना गोरा। ये तुमने उस तरफ का फिल्टर लगाया है। काले हैं तो क्या हुआ दिन वाले? काले कौन कह रहा है तुमको? हम काले हैं तो क्या हुआ? पता है ये फोन खराब हो गया। असल में तुमको पता है क्यों लगता है? क्यों? क्योंकि ये देखो ये पिंक पिंक हो गया है ना इसकी स्क्रीन, इस वजह से लगता है तुम्हें। पिंक सिटी में पिंक कलर। कि 10 दिन बाद आएंगे करवे। अरे यहीं से हैं क्या इनके? दिख तो नहीं रहे यार प्लेन। अभी तो नवरात्रि वाले कलश तो मैं आ गई थी सोडाला साइड में, ये सब कुछ मिलता है। अभी प्रॉपर मिल नहीं रहे करवे, क्योंकि अभी कलश वगैरह मिल रहे हैं। नवरात्रि स्थापना है ना, जैसे जैसे कोई त्यौहार जाता है तो उसके बाद ना वो सीजन जो जिस त्यौहार का आता है ना, तो ये लोग उस चीज़ को लगा लेते हैं। तो अभी प्रॉपर इन्होंने लगाए नहीं है अंदर से ना, ये कट्टे वट्टे से निकाल के मुझे इन्होंने दिए हैं, अब ये लगाएंगे। तो मैंने तो अपने 2 करवे ले लिए। तो बस मैं आ गई हूँ घर पे और कुछ चीज़ें ले आई हूँ। कल से जो है वो कलर वलर करेंगे इन पे, आज तो नहीं। और आज नीचे हमारे नीचे वाले घर पे ना कलर हो रहा है, तभी देख के आई थी मैं। किचन हो रही है, बाथरूम हो रहा है, एक चीज़ और हो रही है। तभी नीचे भी 5 दिन काम चलेगा, किचन पूरी फैली हुई है। तो अभी तो वो हाउस हेल्पर जो है डब्बे वब्बे जो है वो साफ कर रही है। पास में ही रहती है वो, तो वो कर रही है। तो बस अब मैं खाना बनाने लगूंगी, क्योंकि किचन पूरी फैली हुई है तो नीचे भी खाना भेजूंगी। तो देख रही हूँ क्या बनाऊँ। सब्जियाँ कुछ खास है नहीं मेरे पास। कल एक बड़ी मुश्किल से मेरे को आलू और वो ला के दिए थे, टमाटर लेके आई थी मैं। सर दर्द हो गया, चाय पीने के बाद भी सही नहीं हो रहा है। तो अब देखते हैं क्या बनाती हूँ मैं। इल्लू आ जाए एक बार, फिर उससे भी पूछती हूँ क्या बनाऊँ और फिर देखते हैं बनाएंगे। तो अच्छा, तो अभी हो चुके हैं 6:30। इल्लू अपनी ट्यूशन से आ चुकी है। अब मैं खाना बनाना स्टार्ट कर रही हूँ। मैं सोच रही हूँ दाल बाफले या दाल बाटी बना लेती हूँ, तो सही रहेगा। काफ़ी दिन से नहीं बनाई है ना, इसलिए मेरे इल्लू को मेरे हस्बैंड को बहुत पसंद है, इसलिए देखती हूँ क्या रहता है क्या नहीं। नीचे भी दाल बाटी देंगे या दाल बाफला जो भी बनाया। मुझे बाफला ज़्यादा पसंद है, और देखती हूँ क्या बनाती हूँ। ठीक है, तो बनाते हैं। अभी बीच में मम्मी से कॉल कर लिया था मैंने, काफ़ी दिन से किया नहीं था। घर भयंकर फैला था, पहले 3 दिन मेरी तबीयत खराब थी है ना, तो पेट दर्द और चल रहा था। फिर जैसे ही मेरा उठी मैं, तो मेरे घर में ये सब छिड़ गया। तो आप पूछा थोड़ा सा कि शादी की कोई तैयारी वैयारी करानी हो तो भैया आऊँ, नहीं तो बताएं। शिप्रा से मैं तब से ही पूछ रही हूँ कि अब भैया ज़रूरत हो मेरी मार्केट औरों में तो मैं आ जाऊँ, क्योंकि 3 दिन अभी छुट्टी रहेगी नवरात्रि में है ना, और दशहरे पे। तो अगर नहीं तो फिर यामन आएंगे, और अगर उसको ज़रूरत हुई तो फिर वहाँ जाके करवा दूँगी। या फिर ये भी मैंने पूछ लिया कि भैया जयपुर से कोई करनी हो तैयारी। हालांकि कोई तैयारी नहीं करनी, कुछ ऐसा लेन देन का तो उन्होंने कहा नहीं, लेकिन खुद की कोई साड़ी कपड़े औरों में चाहिए हुई जाने की मार्केट। अभी तो उसने तैयारी शुरू कर दी, आज स्थापना थी ना इसलिए, तो जागृति के साथ कोई साड़ी वाड़ी लेने गई है। तो अभी वो लेके आएगी कुछ साड़ी और कुछ सूट। तो भाई ऐसे में कुछ तो आजकल ऑनलाइन हो जाता है यार, मीशो और में सब मिल जाता है, फ्लिपकार्ट और में। तो मैंने भी भेजा था, मैंने जो करवा चौथ के लिए चीज़ें और ली थी, मैंने बोला था उस दिन रोका हुआ था ना, तो मैंने कहा था ले सकते हो। मैंने चूड़े वगैरह सब मंगाए थे, तो चूड़े और भी दिखाने हैं मुझे आप लोगों को। तो ऐसा ही वो ऑनलाइन हो जाएगी आधी तो, लेकिन फिर भी देखो कोई ज़रूरत हो किसी भी तरीके की तो मेरा पूछना फर्ज बनता है, तो पूछ ले आप। देखते एक बार उससे और एक बार कॉल कर लूँगी, वो कहेगी तो चले जाएंगे अभी नवरात्रों में, नहीं तो फिर यहाँ का कुछ सीन बनाएंगे। और आज कोई आया ही नहीं था, अच्छा मैं नहीं गई बैच वन में, कोई नहीं आया बैच वन में, सारे 2 में आए। सारे स्कूल वाले सब पूजा कह गए थे, पूजा करी हमारे घर में, तो इसलिए हम नहीं आए।
तो मैं दाल भिगो के रख देती हूँ। बाटी और दाल की रेसिपी मैंने बहुत बार दे चुकी हूँ तो वो नहीं दूंगी, इसलिए अब मैं अकेले अकेले में बना लूंगी। अगर लाइट ना जाए बीच में, बाकी इन्वर्टर है बट मैं क्योंकि इसमें बनाती हूँ, किसी ने मुझसे पूछा मैं बाटी ना इसमें बनाती हूँ आजकल, क्योंकि ग्लास टॉप वाला था ना तो तब से मैंने बाटी में चढ़ाना बंद कर दिया, क्योंकि वो वाला स्टैंड मैं लाई नहीं थी, 130 रुपए में एकदम मिलता था और मैं लाऊंगी सोच के लाई नहीं, तो बाटी ओवन मैंने फिर इसमें चढ़ाया नहीं कि ग्लास ना हो जाए कांच, तो इस वजह से मैं तब से इसी में बनाने लगी, तो इसमें ही बनाती हूँ मैं बाटी, उसमें बनाती नहीं तो फिर वो इसलिए दे रही। क्या आज आप मेहनत करने को तैयार हैं बाटी के लिए? माशिरावली तेरी बेटी आ गई बाटी बनाने है। चलो बाय। देखो जिसका डर था ना मुझे, मेरे साथ वही हुआ, लाइट चली गई बाटी, जब मुझे इसमें बनानी थी तो लाइट चली गई, पता है कैसे चला, वहां पे जनरेटर होटल वाला चला, यार अब कब आएगी लू, तो फिर क्या बनेगा बाटी, बाटी ओवन में बना बनानी तो पड़ेगी मम्मी, मेरा मन है देखना। ये होता है मेरे साथ, जो मुझे लगता है ना कि ये हो जाएगा वो चीज हो जाती है, पता नहीं हर बार यही होता है। आपने व्लॉग में भी बोला था अभी पहले वीडियो में कि लाइट ना चली जाए, वो चीज हो गई यार, माइक्रोवेव नहीं चलेगा मेरा, अब तो बनाना ही पड़ेगा ओवन में। तो ये बाटी बन रही है और यहाँ पे बन रही है थोड़ी सी कढ़ी, थोड़ी बनाई है बिल्कुल कम, ये है दाल तैयार है, इस वजह से आधी मैंने निकाल के कैसरोल में रख दी क्योंकि नीचे भेजी है ना, दाल बाटी और कढ़ी बन गई है, ऑलमोस्ट हो गई है बस, के बस होने ही बाकी है।